धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।
Because of one officer, the entire police department is disgraced. This is shameful, sir. हम किसी भी तरह खान को माफ नहीं कर सकते. I mean, बिना justification के, बिना authorization के, एक residential building को घेर लेना, आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर firing करना. किस पुलिस मैनुअल में लिखा है सर? We are here to protect, not to kill. This is limit, sir. खान को सजा दिलवानी होगी एंड आई डिमांड इसी वक्त उसे और उसके सभी साथी ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए और इंक्वायरी बैठाई जाए. इस इंक्वायरी के पूरा होने तक यू आर ऑल सस्पेंडेड. अब हमारी नौकरी आपके हाथ में. नौकरी नहीं, जिंदगी. अब तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में. Hey, no smoking in this room. So, sue me. ये इंक्वायरी तुम्हारे लिए कोई गेम है खान? इट वॉज नेवर अ गेम इन द फर्स्ट प्लेस. इट वॉज वॉर. 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार. ब्लू स्टार तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन पूरे देश में आग लग गई थी. तो इस सबसे तुम्हारा क्या कनेक्शन था? पंजाब से भाग के टेररिस्ट चोरी छुपे बॉम्बे के सिख डोमिनेटेड एरियाज में घुस गए थे. भांडू उपचार को अमीर सिक्कों से पैसा निकलवाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस तरीका सीख लिया था उन्होंने. 20 लाख चुपचाप साडे हवाले कर दे नहीं तो तेरे बाकी घर वालों भी असी मार दांगे. धीरे धीरे उनका आतंक आम सिक्कों में फैलने लगा. ये सब होता रहा, पुलिस कहां थी? पुलिस तब काम करती जब कोई रिपोर्ट मिलती. लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल गया सब इंस्पेक्टर अभिषेक मात्रे मेरा बेस्ट ऑफिसर. अभिषेक मात्रे बोलता है, दहीसर चकना का. तीन सस्पेक्ट वाइट जिप्सी AK-47 के साथ. हो 100% AK-47.
शमशेर, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे जाना है। नहीं, आज नहीं। रोहिणी, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश कर रही हूँ शमशेर। तुम्हें पता है कब से तुम्हारी बेटी अपने बर्थडे का इंतजार कर रही थी? सिर्फ इसलिए कि आज एक दिन तो तुम उसके पास रहो। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रोहिणी। हाँ, किलर्स और रेपिस्ट के लिए वक्त है तुम्हारे पास, अपनी फैमिली के लिए नहीं। अभिषेक मात्रे की भी फैमिली थी, उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही अनाथ हो गया। तुम बताओ मैं क्या करूं? नहीं जाऊं, यहां बैठ के केक खाऊं? क्या बात है खान? कोई खास इंपॉर्टेंट बात है कि संडे को घर आना पड़ा? सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मात्रे के किलर्स एंटॉप हिल में छुपे हुए हैं। तो सर्च और अरेस्ट वारंट्स बनवा लो। नो सर्च एंड अरेस्ट वारंट सर, मैं टाइम और पेपर दोनों वेस्ट नहीं करना चाहता, उन्हें सीधा ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। सो व्हाट डू यू वांट? टीवी कवरेज सर, एक जर्नलिस्ट हमारे साथ जाएगा और कवर करेगा लाइव, ताकि दुनिया देखेगी और ये मैसेज उन टेररिस्ट तक भी पहुंच जाएगा कि बॉम्बे की टिकट कटवाई तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कौन आदमी होगा जो कैमरा लेके टेररिस्ट की गोलियों के बीच जाएगा? मिल जाएगा सर। लिपस्टिक से ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लाइन ऑफ फायर से दूर रहिएगा। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन का एक एक सेकंड आपकी ऑडियंस देखे। और अगर किसी पुलिस वाले को गोली लगे तो आप चाहते हैं वो भी कवर करें? मेरे रहते हुए किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगेगी। पांच आतंकवादियों की मौत के साथ बॉम्बे पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के हीरो एसीपी शमशेर खान हैं। जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे रहते हुए किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगेगी। मुझे और बाकी सब बॉम्बे वासियों को गर्व है कि हमारी सुरक्षा के लिए एसीपी एसएस खान जैसे अफसर हैं। मैं हूं मीता मट्टू, एंटॉप हिल से बॉम्बे। बहुत बड़ी फैन लगती है तुम्हारी, खूबसूरत भी है। इसे तो स्टार होना चाहिए था।
बॉलीवुड में सभी को सिक्योरिटी दिलाते हो, किसी को कह के इसको भी हीरोइन बना दो। सही कह रही हो तुम, कुछ बात है इसमें। हाँ, वहां वो तुम्हारी तारीफ करते रहे और यहाँ तुम उसकी। उसी के साथ जाके खाना खा लेते। Well, that was sweet. बाहर प्रेस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी, लेकिन हम इनके साथ है। And who the hell are you? कविराज पाटिल, इंस्पेक्टर कविराज पाटिल। इंस्पेक्टर कविराज पाटिल, स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू, टिल देन जस्ट शट अप, ओके? और बहुत जल्द इंस्पेक्टर से तुम हवलदार बना दीजिए। पुलिस के कौन से डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, मैं समझ में नहीं आ। पुलिस का बेस्ट डिपार्टमेंट ATS। हाँ, योर बेबी। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, मॉडर्न डे टेररिज्म और आर्म क्रिमिनल से टक्कर लेने के लिए एक ऐसी यूनिट की जरूरत है, एफिशिएंट, फास्ट एंड डेडली। डेडली, योर स्पेशलिटी। ये लाइसेंस टू किल तुम्हें किस बेवकूफ ने दिया? कमिश्नर कृष्णमूर्ति ने। Hey, didn't I just tell the two of you to shut up? Did I or did I not? No, did I tell you to shut up or not? So why don't you just shut up? ऐसे बेवकूफों को कब शामिल किया तुमने अपने सर्कस में? मैंने महाराष्ट्र के सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, पुलिस स्टेशन से 27 आदमी एक एक करके सिलेक्ट किए हैं, जो फिट हो, जिनका निशाना अच्छा हो और जो क्रिमिनल से टक्कर ले सके। Wanted the best. Oh. And this is what you got. मैंने एक नेता को जेब भरते हुए पकड़ा। बदले में नाम मिला सारी दुनिया की जेब चेक करने का। मजा रहे? क्या मजा सर, लड़कियों को थोड़ी चेक कर रहा हूं। मेरे साथ काम करोगे? पैसा बढ़ाकर मिलेगा? इस लोहे के डंडे के साथ तुम लोगों को चेक करते हो, तुम तो बात ही मत करो। एक चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे इंस्पेक्टर का रैंक वापस मिल जाएगा। चलिए। आज आपके रिजल्ट आने वाले थे ना? हाँ। तो आपके अम्मी ने कहा कि आपके लिए कुछ खास लेके दो। ये आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। रिपोर्ट आई? हाँ। दिखाएं? मैथ्स में फिर इतने कम मार्क्स? पर पापा, मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा था। तो कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था। हमारे साथ जो थे कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और हम रहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। सालों तक आपकी अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीद पाए। आपके लिए चॉकलेट खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यही बनना चाहते आप बड़े होकर हमारी तरफ पुलिस ऑफिसर? पढ़ो बेटा, पढ़ो। आप लोग यहाँ भी आ गए? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना कि मुझे नहीं आना आपके ATS पेटीएस में। पर क्यों? अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे से अच्छा नेटवर्क किसी का नहीं है जावेद। मैंने पुलिस के लिए अपनी जान खतरे में डालना छोड़ दिया है। हाँ, ऑफ कोर्स। सर, आजकल आराम की ड्यूटी बजाने की जो आदत पड़ गई है इनको, पार्क में लड़की लड़कियों को चूमने से रोकते ही है। क्यों कहा साहब? यही मौका है अपनी करियर सुधारने का जावेद, हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना फोटो आप लोगों के बगल में टंगवाने का। अबे तुम से बात कर रहे? हमारे बच्चे के सामने तो हमारी इज्जत करो मिया। जावेद के शामिल होने से हमारी ATS पूरी होगी। ATS, Assassin Training School। इनको और भी कई नाम दिए गए हैं। अच्छा, अल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओह, आता तो संभला, हाय टपकाड़े शाड़े। बस। ATS means anti terrorist squad. Is that a joke to you? Why? Do you see me laughing?
मीन टू से कि एटीएस के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे, लॉकअप में टॉर्चर, पब्लिक शूटआउट, एनकाउंटर किलिंग्स, ये सब झूठ था। Come on, answer me, हाँ? ये सब झूठ था। Come on, answer me. किसी पेपर पे लिखने से सच और झूठ का पता नहीं चलता, पता चलता है बॉम्बे की सड़कों पर। बॉम्बे पे अंडरवर्ल्ड का राज था और राजा खुद दुबई जा बैठा था। अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का एक बहुत आसान तरीका था, किसी की खून की सुपारी लेना। माया इसी तरह भाई की नजरों में आ गया। ए माया, इतना पब्लिक के बीच में काम कैसे होगा रे? आज साला साइलेंसर भी नहीं है उनके पास। एक काम करते हैं, आज का कैंसिल करते हैं, इंशाल्लाह कल फड़ेंगे ना भरवे को। माया अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था, पुलिस को भी नहीं। अगर वो दो जिंदा बच्चे तो उनको बोलना माया भाई दो दिन जल्दी निकल गया। उन दिनों बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर था हुआ। कौन था? देख देख, छावा आया, अपनी छावी को बचाने को आया। चलो अकेला तेरे को पकड़ लेगा। चल बॉन्ड को फोन करते। चलो। तेरी तुझे कोई नहीं छुएगा। बुआ अशोक जोशी के गैंग में था। चल हिसाब चुकता। अब कल्टी, माया की नजर उस पे पड़ी और उसने एक प्लान बनाया। हिसाब चुकता। उसी रात अशोक जोशी की गैंग एक ही झटके में खत्म हो गई। सबसे बड़ा हथियार था डर। और माया बन गया बॉम्बे में भाई का
टॉप जनरल।
लगता है इसे काफी देर उल्टा लटकाया गया था। ये कूदा नहीं, फेंका गया सर। ये सुसाइड नहीं है सर। आई वॉन्ट टू नो किसने किया ये। अपने इन्फॉर्मर से कह दो के कान खड़े कर दे। सर इन्फॉर्मर्स पुलिस वाले के तीसरे कान होते हैं। शहर के रेड लाइट एरियाज में, दारू के अड्डे में, जेल में हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं। कोई पैसे के लिए काम करते हैं या तो फिर किसी से बदला लेने के लिए। सलाम साहब। साहब असलम कसाई ने अपने भाई को खुले बाजार में फोड़ा था, वो भी अब उनके माँ के सामने। उसको मारना मांगता है साहब। ये असलम कसाई किसके लिए काम करता है? साहब असलम कसाई के बारे में पूछो ना, आपको बताता है। वो घाटकोपुर में रहता है। उसके गैंग के लीडर का नाम क्या है बताओ। माया भाई। माया। इसका सिद्धवानी मर्डर केस में क्या कनेक्शन है? ए मोटे छोड़ो, क्या तेरी जात का? आ यार इसका पैर बहुत बास मार रहा है। ए पटू छोड़ गया। ए बेटा ठीक से पकड़ साले, इसका पैर बास मार लेगा तेरा मुंह। अरे तेरी तो खाता क्या है मोटे? नहीं छोड़ो नहीं बात। ये इसकी दुकान। ए पकड़ा ठीक से पकड़, सिल्ली पर रहा है। ए पकड़ आप। तो फेंक दे। मजाक कर रहा है क्या? फेंक। अरे भाई ने बोला खाली कराने का है। पट्टू बात क्या कर रहा है तेरी? क्या मारा यार तू? पकड़ साले को। क्या क्या बना तू? अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप साव लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए। समझा क्या? चल। लाई बाबा, आज भी क्या टकाटक खाना बनाया? अच्छा पहली बार बनाई क्या ये सा खाना? क्या है, खिला खिला के मार डालेगी क्या? अरे तू कहां मरेगा रे हलकट। अच्छा क्या टपका दिया सिद्धवानी को साला? अपुन से डरेगा नहीं तो मरेगा क्या? खाना खा। नहीं पेट भर गया, पेट। अरे खा रे। क्या रे, नया लिया? जर्मन है, रैपिड फायर। पुलिस का जब तक एक राउंड लोड होगा इसका 6 का 6 निकल चुका होगा। तेरा उड़ा कहाँ है? ए भाई क्या लग रही है, निकाल 6 का 6। क्या लग रही है? क्या माया, आई को भी लेते ना अपने गैंग में। फट्टू से अच्छा टपका गया क्या? शाने तू फिर चालू हो गया बेवड़े। भाई से भी फट्टू भाई है ना, अपुन को जमता नहीं है। खाली बिल्ली में दिमाग का स्क्रू ढीला कर ला है। चुपचाप बैठ के खाना खाओ ना। जब देखो फट्टू, जब देखो फट्टू। अब फट्टू है तो फट्टू ही बोलेगा, और क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चल चल अपने मुंह पे सिलाई मार, सिलाई मार। एक इस टाइम फटी थी अपनी, ओनली फर्स्ट टाइम, बोल इसको। अच्छा खाली एक इस टाइम? हाँ और नहीं तो क्या, उसके बाद कभी नहीं। इंशाल्लाह फटेंगे भी नहीं। अच्छा हाँ पलट ये ले। कोकोड़ा नीचे कर, कोकोड़ा नीचे कर। ए फट्टू की फटी रे तो सिलने के बाद हो जाएगी भाई। मैं समझा ना इसको। ए आई छोड़ना, खाली के लिए हार्ट फेल हो जाएगा साले का। क्या आई तू भी? ए आई क्या बोलती, तेरे को भी किसी का मोटे का सुपारी दिलाओ क्या? जब खाएगी बोलो। Thank you.
क्या हुआ? किधर से फोन था? दुबई से। वो सिद्धवानी कोड आया ना, इसके लिए बोलता है आगे से पूछ के उड़ाने का। साला माया पूछेगा, बोला था ना अपुन भाई। वो इतना दूर बैठा तुम लोगों को फोन पर ऑर्डर देता है और तुम येड़ा लोग तुम दबाकर हाजी हाजी करता है उसको। ए आई गपस रे, तेरे को समझेगा नहीं, फालतू बोल मत। सब समझती है मैं। अब यह कब बंबई तुम लड़का लोग को जानता है? भाई का गैंग छोड़ने का और खुद का गैंग बनाने का। ए आई तू जा रे, मालूम है क्या बोल रही है? भाई क्या चीज है मालूम है तेरे को? ये जो भाई बना है ना, किसी को हटा कर ही बना है। आप फिर कुछ नहीं कह पाए? कितने दिन रह गए तलाक फाइनल होने में? कितने दिन? सर पे आ गया। तो जनाब, आप अब बात नहीं करोगे तो कब करोगे? बात तो करना चाहता हूँ जावेद मियां, पर अम्मा औरतों के दिल मोम के होते हैं, दो मीठी बातों से पिघल जाते हैं। हमें मीठी बातें करनी नहीं आती। कोशिश कीजिए जनाब, कभी आप तकल्लुस से नहीं अंदाजे गुफ्तगू से बनिए। क्या कहा आपने? अंदाजे क्या? What the f? Aha, the F word, as usual used with an utter lack of relevance or context to the most basic of human acts, which it so explicitly and succinctly describes. Yeah. A sad but unavoidable linguistic travesty of these modern times. जावेद मियां, आप पुलिस वाले हो या एक पकाऊ प्रोफेसर? जान से मारने का मन करता आपको? कसाई। पांडू नहीं, इंस्पेक्टर कवि, कविराज पाटिल। बस बस, अब खून रुक चुका है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए, दर्द तो हो गई।
रोलिंग मैडम। बंबई की एक और गली में एटीएस की गोलियों से एक और मौत। सबूत, गवाह, कोर्ट्स, क्या एटीएस ने इन सब चीजों को भुलाकर एनकाउंटर का आसान रास्ता अपना लिया है? लगता है पुलिस वाले अपने आप को कानून से ऊंचा। आसान लगता है आपको ये सब? पुलिस वालों की धज्जियां उड़ाने में मजा आता आप लोगों को? ए कैमरा डबे, कैमरा डा, घुस जाते साले कैमरा लेके। एक पुलिस वाले को गोली लगी है, कभी भी मर सकता था वो आपको आसान लगता है? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? असलम कसाई के बारे में 10 लोगों को मार चुका है वो, उसका कुछ नहीं करेंगे आप लोग? आसान लगता आपको सब कुछ? तुम लोग जितना भी जस्टिफाई कर लो, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। लिसन टू दिस, 1987 नंबर ऑफ डेड इन एनकाउंटर्स विद बॉम्बे पुलिस 12, 1990 नंबर ऑफ डेड इन एनकाउंटर्स विद एटीएस 53, नंबर स्पीक फॉर themselves, राइट? रॉन्ग। इन दो सालों में बॉम्बे की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। अंडरवर्ल्ड और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं, वो भी गैंगस्टर्स, तुम भी गैंगस्टर्स, गैंगस्टर्स इन यूनिफॉर्म। तुम दोनों में गैंग वॉर चल रहा था, तुम उनका एक मारते थे, वो तुम लोगों का एक मार देते थे। पहचाना, कैसा रहे तू? हाँ भाई, कैसा है तेरा? पता ना किधर रहे तेरा भाई, किधर है साले? उठ उठ जा, नहीं भाई नहीं, मार मेरे को, नहीं मालूम भाई उठे किधर है, भाई किधर है तेरा? पुलिस का पड़वा साले, उठ नहीं भाई, क्या सोचा पुलिस में अपन का खबर ही नहीं है क्या? चल नीचे चल। ये छोटिया, तेरे को लगा तो नहीं ना? मार को असलम का इंकाउंटर करा है, बबुल के दोस्त का इंकाउंटर करा है। चुप चुप बहुत साले, बहुत साले, किधर तेरा खबर? बहुत आज साला पुलिस का मिसाल बनाएगा। क्या देख रहा है तुम लोग? क्या देख रहा है साला? ये क्या देख रहा है? हाँ? क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं। क्या हुँ? क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा। आ क्या खोपड़ी में शोपीस के लगा ला घाट ले? मर नहीं देखा तू? नहीं। झूठ बोलता है साला। पुलिस आएगा ना बत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? माया। कल टीवी वालों को बोलने का क्या? 3 गोली फायर किया, समझा? ए बुआ, खाली 3 इंच गोली, न्यूज वालों को जमेगा नहीं रे। तो ये लेना रैप चेक न्यूज आइटम। अरे।
बोलेगा क्या? ए, चल चल बहुत हो गया चलो। ए, पहला वो वाधवानी बिल्डर को फोन किया कि नहीं? अरे किया था माया, साला उल्टा अपुन को हुल देने लगा कि अपुन जैसा टपोरी लोग के साथ बात भी नहीं करेगा। क्या बात नहीं करेगा? हेलो माया, तुम क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको नहीं, तेरे को चाहिए सेठ। क्या प्रोटेक्शन? अरे तू तू मेरे बच्चे लोग को क्या बोला रे? तुम भी अभी बच्चे हो समझे माया, और मेरे ऊपर तुम्हारे बाप का हाथ है। मैं डायरेक्ट दुबई बात करता हूँ समझा? जिसका तू बात कर रहा है ना, उसका हाथ तेरे सर तक नहीं पहुंचेगा रे दुबई से। अभी क्या तू तेरा वाइफ फैमिली सब इधर ही बॉम्बे में? अपुन भी इधर ही बॉम्बे में, समझा गया? चल 40 बेटे तैयार रखना। तू किसे धमकी दे रहा है? तुझ जैसे कईयों को आते जाते देखा है मैंने। अबे तुझ जैसे लोग 40 लाख क्या 4,000 के लिए रोज मरते हैं। अब मेरा नंबर भूल जा वरना दुबई फोन घुमाऊंगा तेरे बाप को, समझा? माया, हेलो, बज गए घंटे? बजी 70 पेटी कल 70। ए खजूर, और अभी जितना रोकड़ा पड़ा है ना हाथ के हाथ थमा दे। चल चल गुड लक के लिए, चल 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 फटाफट। चल और नहीं क्या? और नहीं है हा? अरे चलो ना यार, चलो निकलो यहाँ से।
अबे साले क्या क्या अबे चुप यार। वो मैं ऐसा एक एक करके उड़ा रहा था, आज तक क्या मैं क्या करता है यार। तो क्या साले पूरा बंडल फेंक के मारेगा? पूरा बंडल फेंक के अबे चुप पट्टू है तू, पूरा हाथ काला हो गया। दिखा दिखा दिखा, एक मिनट एक मिनट। अबे ये तो अबे काजल है रे, देख काजल है ना, काजल 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 है रे बुआ। बोला ना हाथ लगाने का, काजल है तो क्या पूरा पूरा फेस लाल हो गया। दिखा लाल ही है रे बुआ। भाई सब साला लोग डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है क्या? ऐसा बड़ा क्या मजनू साला। माया भाई आपका फोन। मजनू साला। हाँ माया। माया कैसा है? माया भाई कैसा है? भाई एकदम झकास फिट। तुम बोलो। वाधवानी का फोन आया था माया, और तेरे को मालूम है कि वो अपन का डायरेक्ट पार्टी है, फिर तो उसको टेंशन काय को दे रहा है? अभी उससे जाके तुम माफी मांग, आज ही, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगे भाई, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपन आपके लिए इधर गदा मजूरी करता है, अपन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। साला अपुन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई? तो करना क्या चाहता है? पैसा तो अपुन लेगा ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट इच नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपुन का। क्या वो लोग बार्स में बैठ के नाच गा रहे थे, तुम लोग क्या बैठ के अंगूठा चूस रहे थे? वो रोज अपने अड्डे बदलते थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने उनकी फैमिलीज और एसोसिएट्स पर दबाव डाला। ताजे आहित ना। हाँ, ताजी ताजी। चल गए देखड़े। पैसे खेली तू? नमस्कार मौसी। ओ आंटी पैसे तो देके जाओ। अरे मच्छी का पैसे? हाँ तू जा इच्छा। मच्छी का पैसे? मी तुला आंटी दिसते। हाँ आंटी दिसते तुला। कट मेलिया आंटी दिसते तुला। ओ मैडम खान साहब ने बुलाया, चलिए। माया किधर है? होएगा किधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत अकड़ रही है तू, जिस दिन तेरा बेटा पुलिस की गोली से मरेगा ना ये सब अकड़ निकल जाएगी तेरी। ए ये पुलिस का धमकी जाकर किसी और को दे। तुम पुलिस वालों का असलियत मैं अच्छी तरह से जानती है। उस सालों तक मेरे को जानवर के माफिक पीटता रहा। अब तब तुम पुलिस वाला हिजड़े के माफिक देखता रहा। मेरा माया 9 साल का था फिर भी मरद था वो। अपना पेट काट के निकाला है मैंने उसको, अब अगर सर भी कटाना पड़ा ना तब भी उसको तेरे हवाले नहीं करेगी मैं। अच्छा साहब चलती है मैं, मच्छी पकाने का है। यानी पट्टू भी आपके साहबजादे नहीं है? नहीं। कमाल है, इस फाइल में तो यही लिखा है, पट्टू वल्द मोइनुद्दीन अकमल। उसका नाम है फातिम। पैदाइश तो आप ही की है ना जनाब? अब हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, आपके पड़ोसियों का कहना है कि उसका यहाँ रोज का आना जाना है। देखिए भाई साहब ये दिल के मरीज है, रहम करिए और जाइए यहाँ से। अगर मुझे पता चला कि आपने एक मुजरिम को पनाह दी है तो मैं आप दोनों को हवालात में फेंकवा दूंगा, समझे? सलाम वालेकुम। हाय। वाह 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 क्या ड्रेस है। लेकिन तुम पे नहीं जचता मुझे, बिल्कुल नहीं ना। आपके वो वाले ड्रेस कहाँ? बैग में रख के आयो क्या? वो छोटे 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 स्मॉल स्मॉल क्या कह रहे हैं? नाचने आए हो ना यहाँ की रौनक बढ़ाने? चुचा दीपा बार की सबसे पटाका और तीखा बार डांसर। हाँ
देखिए ये शरीफ लोगों की शादी है। अरे शरीफ लोगों की शादियों में भी तवायफ नाचती है, है? तवायफ का मतलब समझती है ना आप? वही वैश्या। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, हम इनके डांस के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं और आप इन्हें कुछ नहीं बोलते? ये हमारे मेहमान है। मेहमान? ये तुमने चीचा को नहीं बताया? मतलब तुमने चीचा को ये भी नहीं बताया होगा कि आप बॉम्बे के सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड भाई के आइटम हो हैं। चीचा नहीं आते आप मुझे बुला दो। पर हमारे ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के। सलाम अलैकुम मियां। ए छाटू, अपुन से फाइट करने के लिए बॉडी बना ला है? क्या लग रही है रे तू? ए तू ही क्या था ना मेरे तन्नू से शांत पट्टी करने क्या? बुआ छोड़ ना, अभी अपन सिर्फ बात करने को आया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं भी यही सोचा, फैमिली, अब उनकी भी फैमिली है। फिर खान अब उनकी माँ को धमकाने क्यों गया? क्या वो सही था? आइंदा मेरी बीवी और बेटे को छुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। इतनी गर्मी मत खा, मत खा इतनी गर्मी। बेटा अंदर जा। अपनी नहीं तो अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच। अरे इंशाल्लाह अपन तेरी लाइफ बना देगा यार। ये अपनी बोलना यार। पोस्टिंग पोस्टिंग प्रमोशन प्रमोशन। रुक रहा बोल, नोट रहेगा ना तो आइटम को मनाने को सकेगा। इसी बॉडी बनाने से वापस नहीं आएगी। QRC आएगी क्या? ए बुआ आएगी रे, अपन के पास आएगी। आएगी ना रे खजूर। सुन रे, तू बड़ा घर ले, लंबी गाड़ी ले, बोला कितना चाहिए रे? मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम जैसे जितने हरामजादे इस शहर में पैदा होते हैं उन सबकी एक फाइल बनके मेरे ऑफिस में आती है। अब इतनी फाइल हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऑफिस साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और अपुन यहाँ अखा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठा है। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अरे यार हम उससे बहुत खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बाकी की जिंदगी जेल में काटोगे। अपुन जेल जाएगा। डबलिंग तेरे को जेल जाने का है क्या? यार जेल में अपुन को भी नहीं जाने का है। मत जाओ ना, मत जाओ ना जेल। ला मेरा रिवॉल्वर से ठोक देता हूँ तुम्हें। इतना हुल मत दे। ये क्या करेगा बे? हैं? क्या करेगा तू? अबे जा बे ये करके चल, बेंच मारने दे चल। अबे तेरी तो साला अखा बेंच तेरे अंदर घुसेर देगा। ए बुआ छोड़ ना, बाद में देखते रहे साले को। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा। ये गेम अपुन लोग का बीच में है, इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपुन की फैमिली से दूर रहो, अपुन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मारो या मरो। क्या एनकाउंटर करेगा? तुम पुलिस वाले भी पब्लिक को क्या मशीनरी लगाते हो? हाँ साला किसी भी टपोरी को उठा के गली में टपका डालने का, मुर्दे के हाथ में घोड़ा फिट करने का और फिर अगले दिन टीवी पे बमा बम पब्लिक सिटी।
बॉम्बे पुलिस ने घमासान एनकाउंटर में खतरनाक मुजरिम को बहादुरी से उड़ाया। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं है, सिर्फ गोली जाती है। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी, शायद अब उन फिर मिलेंगे, शायद नहीं। लेकिन एक बात बोलेगा, तेरे से मिलके अब उनको अच्छा लगा। सारा एक पुलिस वाला तो है जिसकी वर्दी में आज भी मेरा भारत महा है। इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझना कि गोली मारने से पहले मैं एक सेकंड भी रुकूंगा। गोली अपुन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी। मुंबई। जो देखे इधर अब उनको बता दे को भी हो बे फंटा, सभी डरते अपन के नाम से अपन चाय जिद। थोड़ा कोक शोक तो अपन के दोस्त को देना यार, थोड़ा कोक शोक तो अपन के दोस्त को देना यार। हे गणपत गणपत। बिपाशा मल का पंकज या हो कैश फेरा है, जैसा भी जाके जहां मर्जी नचाए। यश चोपड़ा सुभाष की अपनी पिक्चर बनाए, अपन को कह लेना जैसे तैसे पैसे कमाए। अपन को तो चाहिए दिन में स्पेशल चाय, शाम को दारू रात को लड़की और नींद आ जाए। एक अनपा एक अनपा चल। क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30 30 30 30 अब उन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपुन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपुन को उंगली देने लाए, कभी इसका आई कभी अपुन का छावी को उंगली दे रहा है। अपुन क्या है जुड़ा है क्या इधर बैठकर गाएगा? आइयो बल्ली। ये तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सरके और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं। We'll be right back.
रोहिणी है ना? यही चाहती थी ना तुम? हाँ। ये लो साइन करो, खत्म करो। इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है रोहिणी। I'm sorry. Sorry. और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है, चार चार दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है? कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे? वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटकाकर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का बलात्कार करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो? रोहिणी घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मिया, शादी का खर्चा पूरा हुआ नहीं कि डिवोर्स का खर्चा सर पे आ गया? अम्मा यार, शादी तो हर चीज को आपस में बांटने का नाम है। आप तो बात करते ही नहीं। क्या बात करूं, क्या बात करूं? मैं तो कहता हूं सारा फॉल्ट तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का, इस पुलिस की नौकरी का है। डैम इट, खान साहब के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? उनकी हालत देखी आपने? मैं तो कहता हूं सारे डिपार्टमेंट को मिलकर एक डिवोर्स लॉयर रखना चाहिए, ताकि ग्रुप डिस्काउंट तो मिले, होलसेल का भाव तो मिले। तौबा तौबा, ऐसी अहम गाना बातें मत क्या कीजिए, पता नहीं अल्लाह ताला कब किस दुआ को कबूल कर ले। आप किस बकाओ भाषा में बात करते हैं यार, आपको हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी जी, हिंदी हमारे संस्कारों का संग्रह है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, किंतु धिक्कार है हमारे मातृभाषा के खिचड़ीकरण पर, जो हमारे सभ्यता के ओझल होते चरित्र पर एक घातक टिप्पणी है। टिप्पणी पकाते यार आप भी। हेलो, चलिए 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 चलिए, बुआ का पता चल गया, चलिए। फिर ऐसा बोलना, पुलिस कटी चल।
किसी भी पुलिस ऑपरेशन का पहला रूल है बैकअप, और तुम लोग अकेले गए, अपने आप को हीरो समझते हो? जावेद भाई मेरे साथ गए थे, वो एग्जिट पे खड़े थे कि अगर वो भागे तो पकड़ लेंगे। तो पकड़ा? जी नहीं। ये हमारी पुलिस फोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स, गॉड हेल्प अस ऑल। नहीं रुक, तू नहीं रुक। नहीं डैड, मुझे आना है। क्यों आना है यार? वधवानी आओ, सेट आओ, आजा आजा, डरो मत, आओ आजा, तू भी आजा। क्या रे भाई के भड़वे, डब्बे में नोट लाया कि इसमें से भी भाई निकलेगा। चल फर्नीचर हटा, बैग दे, ये डबलिंग पैसा दे। कितना है रे? अबे कितना है बे? 30-30। तेरी माँ की, तेरे को 70 पेटी बोला था ना, 30 का ही को लाया। नहीं, इतना अरेंजमेंट नहीं हो सका, मैं कल तक करता हूँ। नहीं, अभी बोला तो अभीच जा, बाकी का रोकड़ा लेके आ, और फिर ये हाथी को इधर से लेके जा। नहीं प्लीज, ऐसा ऐसा मत करो, मैंने पैसा तो दिया है, आधा तो दिया है। तिचम्मा इला, तो फिर आधा बेटा लेके जा। तू क्या काटू? मैं प्रॉमिस, कुछ घंटों में लाके देता हूँ पैसा, मैं लाके देता हूँ बेटा। क्या पैसा लेके आ? मैं भी आया। चले चल आती, चल इधर भाई, ए जगह बना रे साथी के लिए। ए नीचे बैठ, ए चल बैठ, चले बैठ नीचे। भाई बात वानी, भाई मेरा बेटा उनके पास है भाई, वो कहते हैं उसे मार देंगे, मेरा एक ही बेटा है भाई, आप उसे बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर आधे पैसे दे दिए, वो लोखंडवाला स्वाती बिल्डिंग, 300 दो, अब बाकी के पैसे भी मैं दे दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए भाई, एक ही बेटा। अच्छा भाई, थैंक यू। क्या भाई, फिर वही माया का लफड़ा? अपनी लाइन में सब लोग गटर से निकल कर आते हैं, कुछ लोग ऊपर निकल जाते हैं, और कुछ लोग गोली खाकर वापस गटर में गिर जाते हैं। बहुत गोल गोल घुमाया तुमने, huh? Anyway, so welcome to the big day, November 16th. तुम्हें पता कैसे चला कि वो लोग वहां थे? मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया। स्वाति बिल्डिंग 302 लोखंडवाला, माया और उसके फंटर वहीं मिलेंगे साहब। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हें दुबई से एक कॉल आया था। What? उन्हें मारने के इंस्ट्रक्शंस तुम्हें उन्हीं के दुबई वाले बॉस ने दिए थे। ये गलत है। हेलो, अच्छा अभी माया का पता लिख। 302 स्वाति बिल्डिंग लोखंडवाला, 5 आदमी है और एक भी बचना नहीं चाहिए, समझा? फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारी डायरेक्ट लाइन पर उस दिन दुबई से एक कॉल आया था। उस दिन मेरे फोन पर कई इंटरनेशनल कॉल्स आए थे, रोज आते हैं, ये किसी ने नहीं बताया आपको? सुबह सुबह कान बजा रहे ला यार। ए चला फटू बाटली देना। क्यों, कल रात क्यों उतर गई है? होश में होता है तो साला आजू बाजू हर जगह भूत दिखता है यार। अरे यार आरसी, कब तक उस भूतिया फैमिली को देख के डरेगा रे? ए साला डबलिंग, कौन सा रे? पता नहीं, वही होगी। बोला कौन सा? अरे वही होगी, उड़ा उड़ा जा। अभी गलती से फैमिली को उड़ा दिया तो उड़ा दिया यार, इतना सोचने का नहीं आरसी, छोड़ ना। ए फटू, अब किधर सोचता है यार, अब किधर सोचता है? वो औरत, उसका बच्चा लोग, दिन रात अब उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। ए आरसी, एक काम कर, तू जब मरेगा ना
तो भूत बन जाने का और जाकर उनसे सॉरी बोलने का। ए बुआ तू दिमाग की दही मत करे, फट्टू बाटी दिया। ये ले बेवड़े। ए फट्टू इतना हंस मत। क्यों? उसका भूत से फटता है, तेरा तो साला कोई पात मार दे रहा तो भी तू डर जाता। अबे इसको क्यों मारता है यार? ए डबलिंग सुनाना फट्टू का नाम फट्टू कैसे बना? नहीं रहने का तुम्हारे साथ अपन को। कुछ नहीं साला। ए फट्टू अरे झक मारने चल बैठ। चल फट्टू यार बुरा मत मान। ए फट्टू सुन के जाना। सुन अरे तुम लोग भी यार, तुम्हारी जात का काय को उसको रोलाता है? जाना जाने दे। हां सुना ना डबलिंग, चल सुना। फट्टू बहुत टाइम से शूटर बनना चाहता था। शूटर मत मारो मुझे भाई, फादर मत मारो भाई, मत मारो। ये नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा जी। अरे फादर मत कह इसे ठोक। अरे तेरी जात का फादर ठोक इसे, कुछ नहीं होगा तेरे को। बाद उसका नाम फट्टू बना, फट्टू भाई। फट्टू भाई। हम लोग मस्त है ना, अखा टाइम एंजॉयिंग। तुम लोग को क्या लगता है साला? ए अटरे, ये साला अपना हाथी का बच्चा एंजॉय नहीं करता है क्या? अपुन लोग से ज्यादा एंजॉय करता है। क्या बात कर रहे हैं? रोज रात को पार्टी, दारू, ये देसी नहीं अंग्रेजी। क्या बोल रहे हैं? लड़कियां। सुना ये फाइव स्टार पार्टी में रोज होता है ना? तू एंजॉय किया? सॉलिड मजा आता है। चल नाच के दिखा। चल नाच नाच। ए फट्टू क्या रे, तू भी बुरा मान गया? मस्ती कर रहे थे ये लोग। ए सॉरी बोल रहे? मैं बोलता हूँ सॉरी। अरे अब दो बार सॉरी बोला ना, अब तो स्माइल मार। पुलिस। ए स्वाति बिल्डिंग का है, आगे जाके ले। अबे तू पागल हो गया तू साला, निकल गया तू, वापस कहीं आया एड़े? तुम साला लोग को बताने के लिए कि अपुन फट्टू नहीं है। हाँ बोल। क्या भाई, इधर तो अखा बॉम्बे का पुलिस अपुन और अपुन के बच्चे लोग को घेर के बैठे लाए। भाई दो तीन फोन घुमाओ ना आप। हाँ तुम बोला था ना, आज से बंबई का काम तुम देखोगे, तुम ही कुछ करो ना। वैसे भी माया दुबई से अपना हाथ कहां वहां तक पहुंच सकता है। बस यही सुनने का था साला अपने को। साला तू ही चपुन की फील्डिंग लगाया। क्या बात कर रहा है माया? क्योंकि अगर माया यहां से बच के निकला ना, अपुन का हाथ दुबई तक पहुंचेगा, समझा क्या? 302 देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। कविराज पाटिल और उसके बड़े
साला अब तो राणा होएगा राणा। हे बुआ, भाई जी, भाई भाई मुझे जाने दीजिए ना, अब आपको मेरा क्या काम है? चुप, जा जा जा, सुन, हाथ ऊपर करके जाना। ए, ये ले, कहाँ जा रहा है? 302 से साला, सही सोचा था अपन, आज ये लोग एनकाउंटर करने के मूड में आए। बोला था ना एक ही फ्लैट में जस्ती दिन नहीं जाने का। माय भाई बोला था ना, दो बार बोला। चुप है, बोलने सुनने का टाइम गया, अभी करने का टाइम। त्रिपाठी माया, अब मुझसे क्या बोलता है? तेरा तो काम हो गया, समझ साला कुत्ता, मुंह बंद कर अपना। अखा लाइफ अपुन यही मुंह को खिलाया, समझा ना? अभी तू इधर आने का और अपुन का लड़का लोग को इधर से कैसा भी करके निकालने का। ये त्रिपाठी तेरे को इतना पैसा देगा, इतना रोकड़ा देगा ना साला, तू लाइफ में कभी नहीं कमाएगा, समझा? मैं अपनी फिल्म में करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हीरो भी तो तैयार होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस सेंसर बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ये 1991 है, इंडिया तो 1965 में ही 18 साल का हो गया था। मेरी बात समझ में नहीं आती, हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो एडल्ट सीन को अलाउ क्यों नहीं करता? आखिर हम सब लोग डेमोक्रेसी में क्यों जीते हैं? देखिए, मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ दादा, टचअप करना जल्दी से। मैडम, काफी पुलिस गाड़ी अंधेरी वेस्ट की तरफ जा रही है, चलिए। हाँ तो आप क्या पूछ रही थी? हेलो हेलो, मैंने यहाँ से कुछ पुलिस वैन्स को जाते हुए देखा है, तुमने कुछ सुना? Neither you won't believe this. This is like a film set. Check this out. कैसे हो कवि? कुछ नहीं सर, ठीक है ठीक है सर।
कितने आदमी है? सर 5 से 10 होंगे मैक्स। वेपन्स? हैंडगन, उसके अलावा कुछ नहीं सर। क्या कह रहे तू? सलाह एक ही चोला था, अभी वो भी फालतू गया। मैंने सोचा खान को उड़ाने का यही एक चांस है। जा रही हैं आप? प्रेस। ठीक है, जाइए। जावेद। यस सर। इस एरिया के हर एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दो। ओके सर। 1 किलोमीटर रेडियस पर हर गली, हर रोड, हर पैदल चलने वाले रास्ते पर मुझे रोड ब्लॉक चाहिए। ऑलराइट सर। ओके सर, आई कवर अप टू सर। मैं इस वक्त स्वाति बिल्डिंग लोखंडवाला में खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो आप पुलिस का भारी इंतजाम देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। अभी अभी यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया जिससे एक गाड़ी भी उड़ गई। आगे आगे होता है क्या हम आपको बताते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एक्सक्लूसिवली रिपोर्टिंग लाइव फॉर टीवीएन। मीता मट्टू, लोखंडवाला, बॉम्बे। हेलो तनु, अपुन। ये लोग कह रहे कि सही कह रहे हैं लोग। मतलब तू? तनु, अपुन मरने से डरता नहीं है पर मरने से पहले अपन जीना चाहता था। अपना घर क्या होता है, अपनी बीवी क्या होती है, अपना बच्चा क्या होता है, ये सब कुछ देखना चाहता था। तनु, मैं तेरे से शादी बनाना चाहता था पर अब तुझे कुछ नहीं होगा जान, तुझे कुछ नहीं होगा। अपन भी यही सोचता था। साला अपन कितने लोगों का सुपारी लिया, कभी ये नहीं सोचा कि अपन को भी हो सकता है कुछ। पर आज भगवान ने अपना सुपारी दे दिया यमराज को। सारे स्नाइपर्स बिल्डिंग के छतों पर पोजीशन कर। सर परमार, तुम बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जाओ। जाओ। जी सर। उन्हें पता होने से पहले वी शुड अटैक इन फुल फोर्स। राइट सर। कवि, यू गो बैक इन। ओके सर। एंड रिमेंबर, शूट टू किल। ऑलवेज सर। किधर है तू? तू ठीक है ना? ये सब पुलिस माया। अरे भाई, तू भी ना फोकट में। रो मत, कुछ नहीं होगा तेरी बेटी को। तू फिकर मत कर। तू घर जाए, अमन आता है। तू आज आएगा? हाँ, आज।
शाम को। तू हट रहा है मेरे को एज बोलता है लेकिन कभी नहीं आता। आज तेरा बेटा घर आएगा। God promise। वैसे भी बहुत दिन हो गया ना तेरा वो हाथ का बनाया पूरन पोड़ी खा के। ये आई तू खिलाएगी ना? जा घर जा। मैं रखती है। हेलो अबू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फोन मत रखना अबू, खुदा के वास्ते फोन मत रखना। सुन तो लीजिए क्या कहना चाहता है। क्या सुनूं? आज तक उसने मेरी कोई सुनी है जो मैं उसकी सुनूं? अपुन गलत था अबू, साला अपुन हमेशा से ही गलत था। अपुन कभी भी तेरे को और अम्मी को कोई खुशी नहीं दे पाया। बातें बना के तू क्या समझता है, हम फिर से तुझे जेल से छुड़ाने आएंगे क्या? अरे नहीं नहीं अबू, आज अपुन को वो कुछ भी नहीं मांगता है। अपुन तो बस मरने से पहले एक टाइम तेरे से माफी मांगना चाहता है। वो मरने से पहले? ये क्या कह रहा है फातिम? अपुन सही बोल रहा है। अपुन सही बोल रहा है अबू, आज अपुन बचेगा नहीं। ये साला मामू लोग अपुन का एनकाउंटर करने को आए हैं अबू, अपुन को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये लोग। नहीं नहीं ऐसा मत बोल बेटा, तू वापस आ जा, तेरे सारे गुनाह माफ है, तू वापस आ जा बेटा। खुदा हाफिज अबू। फातिम 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 बेटा, अम्मी अम्मी से बात करें बेटा। सर यहां और यहां। खान, what the hell do you think you are doing? ये कोई तरीका है? This is my case, sir, और यही मेरा तरीका है। This is not your jurisdiction. लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और जैसे भी क्राइम होने के नाते ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। अब अपने आदमी हटाओ और मुझे जाकर उन लड़कों से बात करने दो। लड़के आरपीजी फायर किया है उन्होंने हम पे सर, 3 पुलिस वालों को घायल किया है, कोई उनसे बात नहीं करेगा। This is insubordination खान, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता सर, अपना काम करना चाहता हूँ। खान, I am giving you final warning। मैं जानता हूँ वो लड़के सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ अंदर उनसे बात करने। खान, how dare you? JCP Tripathi is interfering in my operation, sir. Do phone usko. Right, sir. Tripathi, yaar. Tripathi, tum wahan par kya kar rahe ho? Sir, main to bas... Kiske orders pe? Sir... Whose order, Tripathi? Maine Khan ko complete authority de rakhi hai. Wo situation handle kar lega. Sir, to mere liye kya order hai? Tum dusron ke kaam mein interfere karna chhod do, Tripathi. Aap ek taang mat ladao. Tum wapas aa jao. Isi waqt. Sir.
कुमार से मिलना चाहती हूँ। बुलाओ। चलो। जानती है मैं क्या कर रहा है तुम लोग, पुलिस वाला नहीं खूनी है तुम लोग सब। तुम्हारा बेटा मदर ट्रीसा है क्या? हाँ साहब जाने दो, मैं समझाएगी ना, वो सरेंडर कर देगा, मैं उससे बात करेगी। तुम समझाएगी? पहले तो पूरे मोहल्ले में बड़े रोब से घूमती थी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारी जैसी माँ है ना, इसलिए साला वो यहाँ तक पहुँचा है, आज तो मरेगा साला। नहीं साहब बस आज चुप दो, मैं बात करेगी। चली जाओ यहाँ से, वरना इस बिल्डिंग में डाल के ना तुम्हारा भी इनकाउंटर कर दूंगा, समझी? Now get out! सर में से अंदर इधर आओ, कम आप आई सेड शूट टू किल, लोगों को लेके छत पे जाओ, गो। यस सर। वो ऊपर है, तुम
वो प्लैंक लो और उस छत तक लगाओ और तुम कवरिंग फायर देना। 1 2 3 क्या जावेद शेख, 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा, 2 दिन में।
जिंदा अभी तक? No wonder human rights wale want your head. बाहर मोर्चा लेके आए? हाँ हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुलेआम घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको ये आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है, कोई किसी का खून करने से पहले दो बार सोचता तो है। ये माए और बुआ क्या है, इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट ACPSS खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। One question. इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से, सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है, यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले, और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो, और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ या ACP शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर, मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाए, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all you. Thank you. हाई कोर्ट ने शूटआउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है। ATS के सभी मेंबर्स को निर्दोष पाया गया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझिए या एक्स चीफ जस्टिस डिंगरा का जबरदस्त डिफेंस, क्या ये इंसाफ है? या लोखंडवाला में जो पुलिस ऑफिसर्स ने 6 लोगों को मार गिराया वो इंसाफ था? काउंटर स्पेशलिस्ट की आज जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होना बाकी है। जो खान और उनके साथियों ने किया वो सही था या गलत, और ये फैसला आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है।
धड़कने खामोश है, कुछ कहती नहीं, ये आखिरी अलविदा ना हो। चाहते आंखों से बहती रही, ये आखिरी अलविदा ना हो। इस दर्द को दिल में रहने दो, जो खौफ है आंखों से कहने दो। दुख की नदी चुपचाप बहने दो, जो कहना है तुम धीरे से कह दो। ये आखिरी अलविदा ना। सब याद है जो बांधे थे बंधन, काजल बिंदिया हाथों में कंगन, महकी रहती थी मेहंदी, गाता रहता था सावन। इन यादों को सपनों में रहने दो, ये